ये राधा स्वामी सत्संग ने अपना पूरा यहाँ पे स्पेस दिया है, जहाँ पे कोविड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, और यहाँ पे लगभग 10,000 बेड्स बनाए जा सकते हैं। जो पेशेंट्स माइल्ड हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं हैं, अभी उनका एक तो घर में इलाज हो सकता है। डेली बेसिस पे जो इस तरह के लोग घर में, जिनको हम कहते हैं कि आप घर में रहिए और घर में आपका हम देखभाल करेंगे, उनको फ़ोन जाते हैं दिल्ली सरकार से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में व्यवस्था नहीं होती, आइसोलेशन करने की अलग से कमरा नहीं है, कई गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को फिर आइसोलेशन करने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए हमने पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह जगह कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो एक तरह से ये कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटी की तरह ही है, जहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर इतने सारे बेड्स और इतने इनकी व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते के पहले पहले ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा था कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 30,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी दिशा के अंदर ये कदम उठाए जा रहे हैं, जब पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर पे बेड्स की व्यवस्था सर अभी पूरी। बेड्स की क्या स्थिति है अगर आगे 31 जुलाई के हिसाब से देख रहे हैं सर? वैसे तो बेड्स बाकी काफ़ी, जैसे होटल्स के अंदर हम वो केस जीत गए थे, कुछ होटल वाले कोर्ट में जाके उन्होंने, लेकिन कोर्ट से हम लोग जीत गए। अब होटल्स में बहुत बड़े स्तर के ऊपर मुझे लगता है 3,000-3,500 बेड्स होटल्स के अंदर व्यवस्था की जा रही है, बैंक्वेट हॉल्स के अंदर व्यवस्था की जा रही है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही थोड़ी सी मुझे मेरे दिमाग में वो है कि आने वाले समय में हो सकता है आईसीयू बेड्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, उसकी भी अब हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आईसीयू बेड्स कौन कौन से हॉस्पिटल्स में हमें बढ़ाने पड़ेंगे। क्या नेहरू होटल स्टेडियम में भी क्या आईसीयू का इंतजाम हो सकता है सर? नहीं, होटल्स में नहीं हो सकता, हर होटल जो है वो किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है, तो अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में अगर वो स्टेबल होता है तो उसको होटल में, तो एक तरह से दोनों के बीच में एक वो यहाँ रहेगा। जैसे नहीं हुई तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसा इंतजाम टेम्पररी? नहीं, मुझे लगता है आईसीयू का इंतजाम करना, तो फिर उनको यहाँ पे वही मैं अभी बात कर रहा था, 3-4 हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करना पड़ेगा कि अगर कोई सीरियस हो जाए तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में। डीडीएमए की मीटिंग हुई है आज, गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, कुछ फैसले लिए गए? गृह मंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें एनसीआर एज अ होल यूनिट को कैसे कोविड से बचाया जा सके, क्योंकि एनसीआर को अलग नहीं किया जा सकता, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब, फरीदाबाद, ये सब एक ही है, तो उन्होंने बाकी दोनों राज्यों के जो आसपास के डीएम्स थे और वो उनको सबको बुलाया हुआ था, तो एक तरह से उसको पूरे को एक कोरोना के लिए एक यूनिट मानने का वो। सर आइए चलिए।